पहुंचा है एसडीएम कार्यालय में। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बारीदार संघर्ष कमेटी के प्रधान जो श्याम सिंह जी है वो यहाँ पे नामकान पत्र भरने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। आइए उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि श्याम सिंह जी, आज बारीदार संघर्ष कमेटी की तरफ से आपने यहाँ पे नामकान पत्र भरने के लिए आ रहे हैं, कितनी खुशी है आपको, क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल बहुत खुशी है। और माता वैष्णो देवी जो पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी है उसमें मुझे अपना नामांकन भरने का एक माता वैष्णो की तरफ से आशीर्वाद मिला है। और मैं कहना चाहता हूँ कि बारीदार तो एक मुद्दा है ही, बारीदारों के साथ साथ और भी जो हमारे देहात के, गांव के, शहर के जो मुद्दे हैं उसके लिए हम लड़ेंगे। और हमारे साथ हर कम्युनिटी के वो लोग हैं, बारीदार तो है ही है लेकिन बाकी भी सारी कम्युनिटी के लोग हमारे साथ हैं, इसलिए हमारी विजय होगी और माता रानी हमें आशीर्वाद जरूर देगी। श्याम सिंह जी, हर वक्त जो मतलब कि 38 साल से आपको आश्वासन मिलता जा रहा है, बारीदारों को आश्वासन मिलता जा रहा है, आज बारीदार जो है अपना कैंडिडेट यहाँ पे खड़ा कर रहे हैं, कितनी बड़ी चुनौती है उन पार्टियों के लिए जिसको आप हमेशा जिताते आ रहे हैं? देखिए, हमारी किसी से कोई चुनौती नहीं है। बारीदारों ने संघर्ष किया है कि इस बार हम जीतेंगे और गांव देहात के जितने भी लोग हैं, जितनी भी जनता है वो सब हमारे साथ चल रही है। हमने ये देखिए, हमारे कटरा वाले जो हैं, बुजुर्ग जो है, जो भी हमें कह रहे हैं, और मैं कह रहा हूं कि हमारी पूरी जनता हमारे साथ है और माता रानी का आशीर्वाद रहा तो हम 100% जीतेंगे। जीतने के बाद आपको जीत होती है तो किस तरह के कार्य आपके जो श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी जो पहली बार बनी है वो रहेंगे आपके? देखिए, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पे लोगों के, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि बारीदारों के मुद्दे के लिए मैं लड़ रहा हूँ और लड़ता रहूंगा, चाहे वो रोड पे होगा, असेंबली में होगा, चाहे सरकार के साथ कहीं भी लड़ना पड़ा, वो मैं जब तक बारीदारों का हक नहीं मिलेगा, जब तक मेरी सांस है तब तक मैं लड़ता रहूंगा। लेकिन उसके साथ ही और भी गाँव देहात के जो मुद्दे हैं उनके लिए भी लड़ता रहूंगा। कटरा में जो श्राइन बोर्ड की तरफ से जहाँ दादागिरी या कटरा के बिजनेस को हाईजेक करने की श्राइन बोर्ड की जो साजिश है उसको नाकाम करूंगा, रोडवे के मसले के लिए मैं लड़ूंगा, कटरा के बिजनेस के लिए मैं लड़ूंगा, जहां जहां भी कटरा में कोई समस्या आएगी, बिजली, पानी की, रोड की, जो भी समस्या होगी मैं उसके लिए लड़ूंगा। और खासकर गांव देहात के जितने भी मसले हैं, गांव में बिजली, पानी, सड़क के मसले हैं, चाहे वो बंदरों का मसला हो, चाहे नशाखोरी का मसला हो, जितना भी चिट्टे का जो चल रहा है इसके लिए मैं बिल्कुल 100% कर लड़ूंगा और मैं सारा का सारा एकदम बंद करवा के रहूंगा, जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ। जो है वो आपके सामने बहुत जल्दी आ जाएगा, मैं हर पॉइंट पे आपको सभी मीडिया के अपने भाइयों को बता दूंगा, लेकिन मोटा मोटा मैं आपको बताऊं, हमारा मेन लक्ष्य जो रहेगा वो तो एक बारीदारों का मेन मकसद तो है ही उनका हल करना, लेकिन उसके साथ पूरा वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी की ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात मैं करूंगा। हर जगह जहां भी कोई गांव की समस्या होगी हर उसको हल करने की कोशिश करूंगा। और भी बहुत सारे ऐसे इशू हैं, बेरोजगारी को लेकर इशू हैं, चाहे गाँव के अपना बंदरों की समस्या है, गांव में जिम्मेदारों की जो समस्या है, पानी बिजली की समस्या है, और जितने भी यहां पे रोडवे को लेकर जो समस्या है, और भी जो कटरा के इश्यूज हैं, जो श्राइन बोर्ड जो कटरा को बर्बाद करने पे लगा हुआ है और श्राइन बोर्ड की तरफ से जो एक षड्यंत्र यहां पे चलाया जा रहा है उसको रोकने की कोशिश करूंगा। और हर उस काम में जो कटरा को बर्बाद करने के लिए जो भी कदम आएगा उस कदम को मैं रोकूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। श्याम जी, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की अगर बात की जाए तो शून्य से शुरू होता है, क्योंकि पार्टी का बोर्ड शुरू होता है, और दिग्गज पार्टी की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस के भी जो है कैंडिडेट यहाँ पर बता दिए गए हैं, उसके बाद भाजपा के कैंडिडेट जहाँ पर हैं और अन्य पार्टियों से भी जो क्षेत्रीय हमारी यहाँ पर पार्टियाँ हैं, कितना मुश्किल होता है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और पार्टी के कैंडिडेट? देखिए, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ठीक आप कह रहे हो कि शून्य से शुरू होता है, लेकिन बारीदार संघर्ष कमेटी और बारीदार 10,000 से आगे शुरू होते हैं। उसके बाद जो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, गांव देहात के सब लोग हमारे साथ हैं और हम 100% जीतेंगे, क्योंकि भाजपा का बोर्ड जहां पे 5-6 हजार हो सकता है लेकिन बारीदारों का बोर्ड 15,000, अब वहां से आगे स्टार्ट करेंगे और भी गैर बारीदार लोग, जितने भी हमारे भाई, जितने भी गांव से लोग आए हैं सब हमारे साथ हैं और एकदम कंधे से कंधा मिलाकर हम चल रहे हैं। श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए 14,200 के करीब बारीदार हैं और 30,000 के करीब वोटर्स जो हैं, जो युवा वोटर्स हैं, कितना अहम रोल रहेगा? देखिए, बिल्कुल नौजवानों का मेन रोल रहता है और नौजवान ही हमारी एक शक्ति है, वही लोग हमारे साथ डटकर खड़े हैं। आपने देखा होगा मैक्सिमम नौजवान जहाँ पे डांस कर रहे हैं, सभी नौजवानों में जोश है, वो चाहते हैं कि परिवर्तन हो जहाँ पे, और
हमारा कोई अच्छा नेता गांव से चुन के आए, इसीलिए जो सारा नौजवान आई है आज देखो आप कितने उत्साह से यहाँ पे नाच रहा है। मैं कहता हूँ मैं हर नौजवान के लिए, बुजुर्गों के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए और जितनी भी यहाँ पे लोकल समस्या है, चाहे कटरा की हो, चाहे कटरा के सराउंडिंग की हो, गाँव की, देहात की हो, हर के लिए मैं लड़ता रहूंगा। ये मेरा आपसे वायदा है।